नई सुबह प्रेजेंट्स इस्लाम में मुस्कुराहटें। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि एक मरतबा एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अपने गुनाह का तस्करा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुनकर खामोश रहे। इतने में सूरह हूद की आयत नंबर 114 नाजिल हुई, यानी सुबह और शाम नमाज कायम करो और रात के कई हिस्सों में नमाज का एहतमाम करो, बेशक नेकियां बुराइयों को दूर करती हैं। ये नसीहत है नसीहत पकड़ने वालों के लिए। वो आदमी कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या यह हुक्म मेरे लिए ख़ास है या सब के लिए आम है? उस मजलिस में सैयदना फारुक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मौजूद थे। उन्होंने अपना हाथ उस आदमी के सीने पर मारा और कहने लगे, नहीं, यह हुक्म सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक नहीं बल्कि ये सबके लिए आम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बात सुनकर तबस्सुम फरमाने लगे और फरमाया, सौदा का उमर। उमर ने सच कहा। रवाहुल बुखारी।